अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस, पेज नंबर 4, तीसरा स्टेप, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स पढ़ रहे थे। इसका तीसरा स्टेप है प्लानिंग अ सॉल्यूशन। आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम वी फॉर्मुलेट अ प्लान दैट मे लेड अस टूवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को समझने के बाद हम एक मंसूबा बनाएंगे जो हमें हमारे सॉल्यूशन तक ले जाएगा। दिस फेज इंक्लूड्स फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस फेज के अंदर हम राइट स्ट्रेटजी को फाइंड करेंगे, सही स्ट्रेटजी को फाइंड करेंगे जिसके ज़रिए से हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। सम ऑफ द स्ट्रेटजीज आर, जो स्ट्रेटजीज शामिल होती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, उनमें से चंद दी गई हैं। पहली है डिवाइड एंड कॉन्कर, इसे टॉप डाउन डिज़ाइन भी कहते हैं। टॉप डाउन डिज़ाइन कह लें या डिवाइड एंड कॉन्कर कह लें, बात एक ही है। दिस स्ट्रेटजी डिवाइड्स अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। इस स्ट्रेटजी के अंदर हम एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास मिसाल के तौर पर ये एक बिगर प्रॉब्लम है। इस बिगर प्रॉब्लम को मैंने सब प्रॉब्लम 1, सब प्रॉब्लम 2, सब प्रॉब्लम 3 एक्सेट्रा इनमें डिवाइड कर लिया। ज़रूरी नहीं है कि तीन सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करूँगा, जितने सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो सकता होगा उतने में ही डिवाइड करेंगे, चाहे 10 में हो जाए, चाहे 8 में हो जाए, जितने मर्जी में हो जाए उतने डिवाइड करेंगे इसको। मिसाल है कि मैंने एक कैलकुलेटर बनाना है। अब कैलकुलेटर बनाने के अंदर, कैलकुलेटर बनाना एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम के अंदर भी सब प्रॉब्लम्स हैं कि मैंने एडिशन भी करनी है, सब्ट्रैक्शन भी करनी है, मल्टीप्लिकेशन भी करनी है, डिवीजन भी करनी है। तो इसकी सब प्रॉब्लम नंबर 1 हो गई एडिशन, कि मैंने वैल्यूज़ को ऐड करना है। सब प्रॉब्लम नंबर 2 हो गई सब्ट्रैक्शन, ये फिर उसके बाद सब प्रॉब्लम नंबर 3 आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन, फिर सब प्रॉब्लम नंबर 4 आ जाएगी डिवीजन। ये सारी इसके अंदर सब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एक बड़े मसले को हम छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर रूल और टॉप डाउन डिज़ाइन। ये दोनों मतलब हैं इसके। गैस चेक एंड इम्प्रूव, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को गैस करेंगे, चेक करेंगे। अगर तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आता है तो फिर उसको वहीं पे छोड़ देंगे, अगर उसको सॉल्यूशन नहीं निकलता तो फिर इम्प्रूवमेंट लाएंगे अपने गैस के अंदर। इस स्टेप के अंदर हम ये करेंगे। द डिज़ाइनर गैसेस अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड देन चेक्स द करेक्टनेस ऑफ द सॉल्यूशन। डिज़ाइनर क्या करेगा, सॉल्यूशन को गैस करेगा, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को गैस करेगा, और गैस करने के बाद उस सॉल्यूशन को चेक करेगा, उस सॉल्यूशन की करेक्टनेस को भी चेक करेगा। इफ़ द सॉल्यूशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस, अगर जो आपने मतवक्का था कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये होगा, अगर मतवक्का सॉल्यूशन ना आया, then he she defines the solution, फिर वो solution को define करेगा। water को भी हम define करते हैं, उसके अंदर water में से जब हम impurity निकालते हैं उसे हम कहते हैं water की refinement। तो solution की भी refinement होती है, यानी कि solution में जहाँ जहाँ हमने mistake की थी उस mistake को ठीक करना, इसे refinement कहते हैं। the refinement is an iterative process, जो refinement है ये iterative process है। आइट्रेटिव प्रोसेस से मुराद है रिपीटेटिव प्रोसेस है, इसको बार बार रिपीट करना पड़ता है, बार बार रिफाइनमेंट लानी पड़ती है। अगर पहली रिफाइनमेंट में सॉल्यूशन ठीक नहीं हुआ तो फिर उसको रिपीट करना पड़ेगा, फिर रिफाइनमेंट करनी पड़ेगी, थर्ड टाइम, फिर तब तक रिफाइनमेंट हम करते जाएंगे जब तक हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार नहीं हो जाएगा। एक्टेड आउट, एक्टेड आउट ये बेसिकली एक लिस्ट का नाम है जिसके अंदर हम वो तमाम टास्क लिख देंगे कि मैंने ये तमाम टास्क परफॉर्म करने हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इन दिस स्ट्रेटजी द डिज़ाइनर डिफाइन द लिस्ट ऑफ टू डू टास्क। इस स्ट्रेटजी के अंदर जो डिज़ाइनर है ये एक लिस्ट बनाएगा, उस लिस्ट का क्या नाम, कौन सी लिस्ट बनाएगा, टू डू टास्क, कि मैंने कौन कौन से काम करने हैं इस मसले को हल करने के लिए। आफ्टर वर्ड्स ही शी परफॉर्म्स द टास्क, उसके बाद वो टास्क परफॉर्म करेगा। प्रोटोटाइप, जिसे ड्रॉ भी कहते हैं, यानी कि ड्रॉ द पिक्चर। दिस टेक्निक ड्रॉस अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इस टेक्निक के जरिए हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना लेंगे, यानी कि सॉल्यूशन को
जो हमारे जेहन में आ रहा है उसकी पिक्चर बना लेंगे। इट इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन, जो हम पिक्चर बना लेंगे ये इसका फाइनल सोल्यूशन नहीं होगा। हाउ एवर इट मे हेल्प अ डिज़ाइनर टू अंडरस्टैंड एंड इम्पॉर्टेंट कम्पोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन, ताहम ये यूज़र को, डिज़ाइनर को जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है उसके लिए ये इस तरह से फ़ायदेमंद होगा कि वो अपने सोल्यूशन के अहम कंपोनेंट्स को समझ लेगा। द सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम, द सिलेक्शन ऑफ अ स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि हमने किस स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करना है। इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट दैट वन स्ट्रेटजी मे बी मोर सूटेबल टू इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन देन द अदर वन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हो सकता है कि एक स्ट्रेटजी दूसरी स्ट्रेटजी से ज़्यादा सूटेबल हो मसले को हल करने के लिए। वेरी स्पेसिफिकली द सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है इस पर डिपेंड करता है कि हमने कौन सी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करना है। प्रॉब्लम की नेचर पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करना है। ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।